अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये लें जनाब, फ़ैसला आ गया हक़ में। और अब जो आपके चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अजीम, ख़ूबसूरत और एक इनके लिए ख़ूबसूरत जुमला कहने का वो जो ट्वीट वाला सिस्टम होता है, उनके लिए शुरू हो चुका हुआ है। हैरान हूँ कि किस तरह यहाँ पे जुडिशरी में जो है वो फ़ैसले होते हैं, कि सीधी सीधी चीज़ वो उस पर फ़ैसला नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ पे तो ये लगता है कि अगर मुजरिम कहे कि हाँ मैंने इसको कत्ल किया है, अदालत कहेगा कि मुझे तू खूबसूरत लगता है, तू हैंडसम है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जेल में, तो अदालत फ़ैसला कर देगी। मादर पिदर आज़ाद है। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की जो है वो हेयरिंग सुन रहा था लाइव, तो वहाँ पर लग रहा है कि पार्टीज़ बनी हुई हैं कि जी अतर मिनल ला साहब कह रहे हैं कि जनाब वोटर का जो है वो राइट जो है वो होना चाहिए। क्या वोटर का राइट? वोटर का राइट तो उसने दे दिया। अब पार्टी अगर पुठी हरकतें करेगी तो उसका कसूर जो है वो वोटर को क्यों जाए? वोटर का एक काम था, वोट उसके पास था, उसने अपने पसंद के उम्मीदवार को दे दिया। अब आगे उम्मीदवार पुठी हरकतें करे, कानून की पासदारी ना करे, तो वोटर का राइट तो नहीं फिर सल्व होता ना। एनी हाउ, कल जनाब साहब फिर ये फैसला आ गया कि साइफर के केस में जो है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को छोड़ दिया। तो चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो प्रेशर में आ गए एज़ यूजुअल। पता नहीं किस तरह के वो फ़ैसले होते हैं, किस तरह के नहीं होते, कि साफ वो लहरा रहा है कि ये साइफर का ख़त है और इसकी ये इस पर वर्डिंग लिखी हुई है। लेकिन नहीं, उन्होंने कोई ब्रीच ही नहीं किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कत्ल भी कर देगा तो वो कहेगा कि जी नहीं ब्रीच किया, क्योंकि ये तो हैंडसम है, ये तो जो मक़तूल है जिसका कत्ल हुआ है उसने इसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती अपने पेट में घुसाया है, वरना तो इस ये तो हो ही नहीं सकता इसने कत्ल किया हो। ऐसा गंद मचा हुआ है और ऐसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है ना, कि जो यहाँ के स्पेशली यूथ ही हैं, बाहर के तो यूथ ही एक अलग आइटम है, वो तो अजीबो गरीब है, वो उनके पेट भरे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो टोटली क्रश का शिकार है। यहाँ पे भी जो एलीट क्लास है क्रश का शिकार है, वो इमरान खान के साथ है। तो ऐसी प्लानिंग हो रही है, रोज़ ख़बरों में आ रहा होता है कि अमेरिका के जो वो ब्रीफिंग देता है मिलर, उसमें पीटीआई के बारे में सवाल हो रहे होते हैं। क्यों सवाल हो रहे होते हैं पीटीआई? व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पीटीआई? व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ अमेरिका? लेकिन क्योंकि प्लान्ड है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, सब पेड है। आज मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक सहाफ़ी कह रहा था, गोरा सहाफ़ी, कि जी वो उसको सारे केस में बरी कर दिया हुआ है, तो उसके एक बीवी के केस में जो है ना वो उसको कर दिया, जिसमें इद्दत का केस है, वो इस्लामिक लॉ है, तो वो ये है लॉ। व्हाट्स द हेल विद यू? आपका क्या काम है? लेकिन इस वक्त वो पीटीआई का पापा बन जाएगा। यही इमरान के दौर में जब आर्मी के ख़िलाफ़ बोला जाता था तो कैसे ये उसके ऊपर पड़ जाते थे कि जी आप लोगों का क्या ताल्लुक है, ये तो हमारा मामला है। तो अब क्यों नहीं पाकिस्तान का ये मामला? क्या साइफर पाकिस्तान का मामला नहीं है? क्या उसकी जो ब्रीच की गई पाकिस्तान का मामला नहीं है? लेकिन गंद मचा हुआ है और उस गंद को जो है ना और बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने अभी जो कल आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने यही बात की थी कि ये लाडला बना हुआ है। अब वो साइफर कह रहा है, क्या साइफर में उसने कहा नहीं था लेट्स प्ले विद द साइफर? क्या उसके चीफ सेक्रेटरी ने सारी चीज़ें खुल के बयान नहीं की थी? क्या उसमें शाह महमूद कुरैशी और उमर की जो है नहीं आवाज़ें थी? जब सबकी आवाज़ें थी, उसका फोरेंसिक क्यों नहीं कराया गया? जब फोरेंसिक कराया जाता तो पता चल जाता कि ये सच है या झूठ है, या उन्होंने कोई डिनाइल दी है। फोरेंसिक को छोड़ दें, क्या उन्होंने उस बात को डिनाइल की है? नहीं किया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो क्या कर रहे होते, ये चीज़ें क्यों नहीं लाइव आती? ये चीज़ें लाइव आने वाली हैं। खान साहब को देखने की ख्वाहिश कुछ जो पड़े हुए हैं ना बेवकूफ़ जाहे लोग, उनको छोड़ें, ये चीज़ लाइव आने वाली चीज़ है। इसको बताएं लोगों को कि वहाँ पे क्या जिरह हुई, क्या बातें हुई। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना, अब सुप्रीम कोर्ट में, मैं अभी देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में जो अभी बात हो रही थी, जो सारी जिरह हो रही थी मखसूस नशिस्तों की, तो उसमें पता चल रहा है ना कि कौन सा जज पार्टी बना हुआ है, कौन सा नहीं है। अब वहाँ पर हमें नहीं पता चलता उस तरह।
ऐसे नहीं, पाकिस्तान की जो अदलिया उसकी रैंकिंग इतनी पुअर हुई हुई है। अभी मैं वो वेबसाइट देख रहा था जिसमें मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा, 129th पाकिस्तान की रैंकिंग है सिविल जो है जुडिशरी की, क्रिमिनल जुडिशरी की अलहदा रैंकिंग है, वो आप देखेंगे तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। क्यों है? इन्हीं फैसलों की वजह से कि यार सामने सारी चीज़ें हैं, आपने महबूब बनाया हुआ है, आपका महबूब कैद में हो तो आप भागम भाग जाते हैं अडयाला देखने के लिए कि वो उनको, कि ये तो नहीं हुआ कि 8 कमरों की बजाय 7 कमरे कर दिए हों, मेरे महबूब ने एक कमरे में एक्सरसाइज करनी है, एक कमरे में कोकेन पीनी होगी, एक कमरे में जनाब साहब सहाफ़ियों से बातें करनी होंगी, हर कमरा उनके लिए मुख्तस है। यानी कि हद होती है, इस मुल्क को तमाशा बनाया गया हुआ है। पता नहीं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, क्यों ये गंद साफ नहीं हो रहा, कब तक पाकिस्तान इस गंद के जो है असरात में घिरा रहेगा। लेट सी कि अब गवर्नमेंट जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है कि नहीं, यानी कि सारा बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे ही आ जाता है। वो 6 जज जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जिनका महबूब जो है वो गाना गाते रहते हैं, मेरे ख्याल में महबूब मेरे महबूब मेरे, उन्होंने तो मेरे ख्याल में कसम खाई हुई है कि सबको जो है ये क्या कहते हैं, इनको क्लीन चिट देनी है, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई के सब वर्कर को, पीटीआई के सब यूथियों को। आई डोंट नो कि चीज़ें किस तरफ चल रही हैं और क्यों नहीं इसको सही तरीके से एड्रेस किया जा रहा। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ और सिर्फ बातों से ये काम चलाएं, यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। केपीके का बुरा हाल हो रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई एम जो भी मैं बात करता हूँ मोस्टली मीडिया में जो रिपोर्ट होती है उसकी बेस पे बात करता हूँ। केपीके में आ रही हैं चीज़ें कि तालिबान डीआई खान में जो है वहाँ पे उन्होंने अपनी चेक पॉइंट्स बना लिए हुए हैं, वहाँ पे लोगों की तलाशी कर रहे हैं। ये नहायत ही ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, ख़ास तौर पे जब से ये अमेरिका गया, अब ये सारा तालिबान के कंट्रोल में है और तालिबान अल्टीमेटली अमेरिका के ही कंट्रोल में है। दे डोंट वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, ये चीज़ याद रखें। इस रीजन में स्टेबिलिटी आएगी तो वो चाइना को फ़ायदेमंद है, अमेरिका डोंट वॉन्ट कि चाइना जो है वो चैन से काम कर सके, चैन से बिजनेस कर सके, चैन से बिजनेस की पावर बन सके, और उसको हर वक्त जो है वो टेंशन में रखना है। और पाकिस्तान जाहिर सी बात है चाइना का अलाय है, ये सारा सी पैक जो है चाइना के लिए हो रहा है, पाकिस्तान के लिए हो रहा है, तो वो नहीं चाहता कि स्टेबिलिटी आए। ये बार बार मैं यही कहता हूँ, ये प्रोजेक्ट आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ये इफ़्स एंड बट्स से बाहर निकल के चीज़ करनी पड़ेगी, यू हैव टू निप द इवल इन द बड। ये चीज़ें नहीं इस तरह चल सकती। आपको आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये जो है हर तरह से इसको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। देखें एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है ये किसी को नहीं पता चलता, ये सहाफ़ी तो ज़्यादातर अपनी तरफ से ये जो एनालिसिस करते हैं ना, क्योंकि इन रहने के लिए ये ऐसी बातें कर देते हैं, क्योंकि वही बात है, इसी वजह से तो डेफेमेशन लॉ को के ख़िलाफ़ होते हैं, क्योंकि अगर डेफेमेशन लॉ जो है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो इस तरह की ये बातें नहीं कर सकेंगे। हर कोई कहता है कि पता नहीं मैं ज़्यादा करीब हूँ इस्टेब्लिशमेंट के, मुझे ज़्यादा खबरें पता है, तो ये इस तरह की नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो गेम कर रही है, जुडिशरी जो गेम कर रही है, या ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें उस तरफ को जा रही है जो पाकिस्तान की तबाही के लिए बन रहा है, तो दैट्स वेरी मच अलार्मिंग। इट शुड बी फिक्स्ड। जब तक इमरान खान को फिक्स नहीं किया जाएगा ये चीज़ें इसी तरह रहेंगी। देखें अब सिनारियो डिफरेंट हो गया हुआ है, अब सिर्फ ये नहीं है कि जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं डायरेक्टली जिनका बेनिफिट है वही इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं जो कि थोड़े थोड़े डॉलर्स भी कमा रहे हैं। ये सहाफ़ी जो हैं जो कि बड़े दावे करते थे कि हम 1-2 महीनों में 1 कनाल के घर बना सकते हैं, वो ऐसे ही नहीं पीटीआई को सपोर्ट करते, दे नो कि वहाँ से हमें अर्निंग होगी। तो ये अर्निंग का सिस्टम अब इतना ज़्यादा इकट्ठा और कलेबोरेटेड हो चुका हुआ है ना कि ये पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग के लिए ख़तरनाक हो चुका हुआ है, और ये अगर नहीं करेंगे तो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, और अब देखें ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो है हेयरिंग हो रही है, क्या फ़ैसला आता है,
वहाँ पे भी पार्टीज़ बनी हुई हैं, और अदलिया जो है ऐसे ही नहीं 129वें नंबर पे है। अगर ऐसे ही फैसले आते रहे तो उम्मीद है कि ये आखिरी लेवल तक भी जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में 150 से 160 नंबर ही कोई होगा, या शायद 140 नंबर, क्योंकि पाकिस्तान भी ज़्यादा इतने अच्छे नंबर पे नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।